हेलो, मैं हूँ गीता। स्वागत है आपका गीताज किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। चलिए तो फिर हमारे आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बारीक कटा प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, कैप्सिकम, हरा धनिया, गाजर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्च और मटर लिए हैं। मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता को उबाल लेना है। पानी उबल रहा है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसके बाद 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालेंगे और यहाँ पर मैंने 1 कप पास्ता यूज़ किया है। हमारा पास्ता बॉईल होकर तैयार है, मैंने पानी निकाल लिया है। अब एक गर्म पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। सबसे पहले घी में मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल रही हूँ, इन्हें भून लेना है। और इसके बाद इसमें प्याज डालकर प्याज को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। हमारा प्याज भूनकर तैयार है। अब इसमें मैं सब्जियां डाल दूंगी। सबसे पहले गाजर डाल रही हूँ, इसके बाद टमाटर डालकर एक बार मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें मटर डालेंगे और इन सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। पास्ता को उबालते समय भी हमने सॉल्ट डाला था, इसलिए थोड़ा सा ही सॉल्ट डालना है। सब्जियों को 3 मिनट के लिए कवर करके पका लेना है। 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जियाँ पककर तैयार है। अब हम इसमें उबले हुए मैक्रोनी डालेंगे। अब मैक्रोनी को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। हमारे मैक्रोनी को क्रीमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और हमारे मैक्रोनी को ऊपर डाल देना है। कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसमें मैं मिक्सअप डालकर इसे एक बार फिर से मिक्स कर लूँगी। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार है। इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल देंगे। ये वाली मैक्रोनी मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद है, आप ही इसे बनाकर देखना ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।